दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के ज्ञान पर। दोस्तों आज है 25 जनवरी, एक बार फिर से हम आपके लिए 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी दोस्तों, 8 विभागों में बम्पर भर्तियां निकली है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियां ऐसी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे में 12वीं पास की सीधी भर्ती की अपडेट आ चुकी है, बिना एग्जाम के भर्ती है। भारतीय डाक विभाग में भी इंडिया पोस्टल सर्कल के अंतर्गत भी 10वीं पास की सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। सैन्य स्कूल मिलिट्री स्कूल में भी 10वीं 12वीं पास के लिए लेटेस्ट भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन रेलवे में। भारतीय रेल के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है स्पोर्ट कोटा ग्रुप सी की, वेरियस वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। सैलरी 5200 से 20200 प्रति माह के लिए है। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है। SC ST और फीमेल के लिए ₹250 फीस है। सिलेक्शन होगा स्पोर्ट ट्रायल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे, बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। SECR.IndianRailways.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 23 जनवरी 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 फरवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की है, जिसके अंतर्गत लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, कुक, वार्डर, प्योन, धोबी, ग्राउंड्समैन, सफाई वाला, मसालची, टेबल वेटर की यहाँ पर पोस्ट है। वेरियस वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। सैलरी 5200 से 20200 है। 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। जनरल OBC के लिए ₹50 एप्लीकेशन फीस है। SC ST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और स्किल या फिजिकल या प्रैक्टिकल या टाइपिंग टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। HP हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 8 मार्च 2021 है। एग्जाम की डेट 21 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती है। वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 19900 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर, बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। मुंबई महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। इंडिया पोस्ट .gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 10 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हाईकोर्ट में। उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 19900 से 63200 है। ग्रेजुएट डिग्री से आप आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 35 वर्ष है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस है। फीस की पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा एलिमिनेशन टेस्ट, कंप्यूटर एडिट टेस्ट और वाइवा वोस टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है, गुजरात हाईकोर्ट.NIC.in या फिर SC OJS.gujarat.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आज ही से स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 जनवरी 2021 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की
15 फरवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। ये भर्ती भी राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में निकली है। ग्रुप सी की पोस्ट है जिसके अंतर्गत पोस्ट है LDC, MTS, लैब अटेंडेंट, टेबल वेटर वाशरमैन, MTS पियोन, MTS माली, MTS वॉचमैन, MTS सफाई वाला की वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी LDC के लिए 19,900 से 63,200 है। MTS लैब अटेंडेंट, टेबल वेटर वाशरमैन, MTS की जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए 18,000 से 56,900 सैलरी है। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। फीस पेमेंट आपको ₹50 करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। बेंगलोर कर्नाटका जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 24 फरवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनिवर्सिटी में। विश्वविद्यालय में जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है। वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 30,375 प्रति मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर योग्यता की जाए तो ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में 7 में यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या डाटा साइंस से किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹200 फीस है जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। गोवा जॉब लोकेशन है। unigoa.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 23 जनवरी 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 फरवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कोचिन शिपयार्ड में। CSL के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट और स्टोर कीपर की। वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 23,500 से 77,000 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इंजीनियरिंग डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹400 एप्लीकेशन फीस है। SC ST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। कोलकाता वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। coachinshipyard.com पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 फरवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकली है। 859 वैकेंसीज है। ₹25,000 सैलरी प्रति माह के लिए है। BSc नर्सिंग और GNM डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 मेल के लिए, 21 से 45 फीमेल के लिए आयु सीमा है। UREWS BC MBC के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है। SC ST वोमेन कैंडिडेट के लिए ₹250 फीस है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन भी कर सकते हो। सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट के आधार पे। बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी bihar.org पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 फरवरी 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 4 फरवरी 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी के 25 जनवरी 2021 की top 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इनसे किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।